ऐड टू, ऐड फाइव, ऐड सिक्स. ऐड सिक्स तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे फाइव पर ऑलरेडी हमने नीचे ले लिया ना, तो ऐड सिक्स तो नहीं पॉसिबल है डायरेक्टली. क्या हम बिग फ्रेंड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते बिग फ्रेंड से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बिग फ्रेंड हमें ऐड सिक्स करने के लिए लेस फोर करना पड़ता है और ऐड टेन करना पड़ता है ना. लेस फोर करने के लिए नहीं, यहाँ पे टू ही बिट से, तो लेस फोर कैसे करें? तो उस केस में हम क्या करते हैं, कजन फ्रेंड यूज़ करते हैं बिकॉज देर इज़ नो स्मॉल फ्रेंड फॉर सिक्स. सो इन दिस केस वी यूज़ कजन फ्रेंड. वॉट इज़ कजन फ्रेंड? तो भी कजन फ्रेंड क्या होता है हम वो देखेंगे. जैसे ही हम बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सेम कजन फ्रेंड भी सॉल्व करते हैं. अगर आपने मेरे बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देखिए. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बिग फ्रेंड और स्मॉल फ्रेंड को. ये हमारा है कजन फ्रेंड. सिक्स का कजन, सिक्स का बिग फ्रेंड क्या होता है? फोर. फोर का स्मॉल फ्रेंड होता है वन. तो वन और सिक्स एक दूसरे के क्या हुए? कजन फ्रेंड. सेवन का बिग फ्रेंड होता है थ्री. थ्री का स्मॉल फ्रेंड होता है टू. सो टू एंड सेवन आर कजन फ्रेंड. बिग फ्रेंड ऑफ एट इज टू एंड टू स्मॉल फ्रेंड इज थ्री. सो थ्री एंड एट आर कजन फ्रेंड. नाइन बिग फ्रेंड इज वन. वन एंड फोर आर स्मॉल फ्रेंड. सो फोर एंड नाइन आर कजन फ्रेंड. ओके, सिक्स का कजन फ्रेंड वन, सेवन का कजन फ्रेंड टू, एट का कजन फ्रेंड थ्री, नाइन का कजन फ्रेंड फोर. अगर मुझे ऐड सिक्स करना है जो कि स्मॉल फ्रेंड और अगर बिग फ्रेंड से पॉसिबल ना हो और डायरेक्टली भी पॉसिबल ना हो तो हम क्या करेंगे, कजन फ्रेंड यूज़ करेंगे. ऐड सिक्स का फॉर्मूला होता है ऐड सिक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन माइनस फाइव ऐड टेन. ऐड सेवन इज इक्वल्स टू ऐड टू लेस फाइव ऐड टेन. ऐड एट इज इक्वल्स टू ऐड थ्री लेस फाइव ऐड टेन. ऐड नाइन इज इक्वल्स टू ऐड फोर लेस फाइव ऐड टेन. अभी इतना सारा एक नंबर को ऐड करने के लिए हमें इतना सारा तीन तीन नंबर के साथ खेलना पड़ेगा ना. ऐड वन भी करना है, लेस फाइव भी करना है, ऐड टेन भी करना है, इतना सब कुछ करना है. तो उसके लिए एक ट्रिक है. ट्रिक क्या होती है, एडिशन के लिए क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हम? अप अप अप. तो वही हम अभी करके देखेंगे कि अबेकस पे इसको कैसे अप्लाई करते हैं. ओके, ऐसे ही नेगेटिव कंपोनेंट के भी फॉर्मूले हैं. अगर लेस सिक्स करना है जो कि पॉसिबल ना हो अगर बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड और डायरेक्ट से, तो हम क्या कर सकते हैं, लेस सिक्स को कजन फ्रेंड से सॉल्व कर सकते हैं. तो लेस सिक्स का फॉर्मूला होता है लेस सिक्स इज इक्वल्स टू लेस वन ऐड फाइव लेस टेन. लेस सेवन इज इक्वल्स टू लेस टू ऐड फाइव लेस टेन. लेस एट इज इक्वल्स टू लेस थ्री ऐड फाइव लेस टेन. लेस नाइन इज इक्वल्स टू लेस फोर ऐड फाइव लेस टेन. और इसका ट्रिक होता है, नेगेटिव कंपोनेंट का ट्रिक होता है डाउन डाउन डाउन. और मैं इसको लेस क्यों बोल रही हूँ, माइनस क्यों नहीं बोल रही, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज क्योंकि हम नेगेटिव नंबर जब करते हैं तो अगर टू माइनस थ्री करना है तो आंसर मेरा क्या आएगा, माइनस वन में आएगा, है ना. तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं उस चीज़ में हम. इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम बाकी की चीज़ों में हम इसे लेस बोलते हैं. ओके, ये मैंने बाकी की वीडियोज में भी अपने पहले ही बता दिया है कि क्यों मैं इसे लेस बोलती हूँ. ओके, वैसे ही सेम अगर मुझे ऐड 60 करना है तो मैं क्या करूँगी, ऐड 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? मुझे ऐड 60 करना है तो क्या करेंगे, ऐड 10 लेस 50 ऐड 100 एंड सो ऑन. ओके, और अगर लेस 60 करना है तो लेस 10 ऐड 50 लेस 100. मतलब कहने का रीज़न ये था कि सारे जो हम यूनिट पे यूनिट ड्रॉड पे जो हम करते हैं ना कैलकुलेशन, वही पूरा का पूरा टेंस पे, हंड्रेड पे, थाउजेंड पे, सारे प्लेसेस पे सेम होता है. सारे प्लेसेस पे सेम कैलकुलेशन करते हैं हम जो हम यूनिट पे परफॉर्म करते हैं. ओके, तो जैसे ये ऐड फाइव किया था हमने और ऐड टू किया था, है ना. तो अभी इसमें हमें क्या करना है, सिक्स ऐड करना है. तो कैसे ऐड करें कि अभी हमने देखा कि सिक्स का कजन फ्रेंड क्या होता है, वन. तो हमने ट्रिक भी देखा कि एडिशन के लिए, एडिशन कंपोनेंट के लिए ट्रिक क्या होती है, अप अप अप. ओके, तो सिक्स का कजन फ्रेंड कौन होता है, वन. तो अप अप अप, आंसर इज 13. ओके, अगेन मगर मुझे ऐड फाइव करना है तो ऐड फाइव पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल. अगेन ऐड सिक्स करना है तो क्या करेंगे, अप अप अप. ओके, आंसर इज 24. अभी ऐसे ही नेगेटिव कंपोनेंट का भी करते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा कि नेगेटिव कंपोनेंट के फॉर्मूलेज क्या होते हैं. तो अगर मुझे नेगेटिव कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, डाउन डाउन डाउन. जैसे ही अप अप करते हैं, जो फ्रेंड रहता है उसको अप करते हैं, फाइव को लेस करते हैं यानी कि अप, फिर टेन को ऐड करते हैं, ठीक है. वैसे ही हम डाउन 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 करेंगे. डाउन डाउन में क्या, जो फ्रेंड है उसको लेस करेंगे, जो फाइव है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो
टेन वाला वैल्यू है, ओके, नेक्स्ट रॉड वाला, उसके प्रीवियस रॉड का जो वैल्यू है, 10 हो, 100 हो, आगे जैसे हो वैसे उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ओके. तो अगर मुझे इसमें से लेस 8 करना है तो लेस 8 पॉसिबल है क्या? नहीं. लेस 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐड 2, लेस 10 करना पड़ता है. ऐड 2 तो पॉसिबल नहीं है, है ना, अकॉर्डिंग टू बिग फ्रेंड. तो हम अभी क्या करेंगे, कजन फ्रेंड यूज़ करेंगे, क्योंकि अगेन देर इज़ अ नो स्मॉल फ्रेंड फॉर 8. तो अभी 8 का कज़न हमने अभी देखा क्या होता है, 8 का कज़न 3, ओके. तो क्या करेंगे, लेस लेस लेस, यानी कि डाउन 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 करना, राइट. तो 8 का कज़न 3, सो डाउन डाउन डाउन, आंसर इज 1616, ओके. अगर मुझे ऐड 7 करना है तो क्या करेंगे, अप अप अप, क्या करना है, लेस 6 करना. तो लेस 6 करने के लिए क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू बिग फ्रेंड मुझे लेस 6 करने के लिए ऐड 4 करना पड़ेगा, लेस 10 करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐड 4. तो हम क्या करेंगे, कजन फ्रेंड यूज़ करेंगे. 6 का कजन फ्रेंड 1, डाउन डाउन डाउन, ओके. तो सेम वैसे ही हम आगे के रॉड पे भी करते हैं, जैसे कि टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, सेम वैसे ही करते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे 20 हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर 20 हैं, ये ऐड 50 हैं, ओके. और अगर मुझे इसमें ऐड 60 करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐड 60 के लिए लेस 40 करना पड़ता है, ऐड 10, ऐड 100 करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके. तो हम क्या करेंगे, कज़न फ्रेंड यूज़ करेंगे. जैसे 6 का कज़न फ्रेंड क्या होता है, 1, वैसे ही 60 का कज़न फ्रेंड क्या होगा, 10. तो हम क्या करेंगे, 10 अप अप, 100 अप, अप अप अप, आंसर इज 130, ओके. ऐड 1, ऐड 1, ऐड 10, ऐड 200, ऐड 500. अभी मुझे इसमें ऐड करना है 600 को, तो हम क्या करेंगे, 6 का फ्रेंड 1, 60 का फ्रेंड, कज़न फ्रेंड 60 का 10, तो 600 का कज़न फ्रेंड कौन होगा, 100. तो क्या करेंगे, अप अप अप, ओके. अगर अभी मुझे इसमें से लेस करना है 700 को, तो क्या करेंगे, 700 का फ्रेंड कौन होगा, 7 का कज़न फ्रेंड कौन होता है, देखो अगर मुझे 700 को इसमें से लेस करना है ना, तो अगर 700 को क्या मैं डायरेक्टली लेस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्या, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 300 है, ओके. और 700 को लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बिग फ्रेंड मुझे 700 को लेस करने के लिए 300 को ऐड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो 700 को लेस क्या कैसे करेंगे, 7 का कज़न फ्रेंड कौन होता है, 2. 70 का कज़न फ्रेंड कौन होगा, 20. वैसे ही 700 का कज़न फ्रेंड कौन होगा, 200, ओके. तो 700 को लेस कैसे करेंगे, 200 है, डाउन डाउन डाउन, ओके. अगर मुझे इसमें ऐड करना है 800 को, तो कैसे करेंगे, अप अप अप, आंसर इज 1462. तो ऐसे ही हम जो यूनिट डिजिट पे करते हैं, जो हम फर्स्ट रॉड पे करते हैं, वही सेम आगे के रॉड पे अप्लाई करते हैं. यूनिट डिजिट पे जो हम करते हैं, यूनिट के रॉड पे जो हम करते हैं, वही टेंस, 100, 1000, सब जगह पे वही करते हैं. सारे फॉर्मूले सब कुछ सेम रहता है सारे डिजिट के लिए. हर एक सम किसी ना किसी फ्रेंड से सॉल्व होता है, या डायरेक्टली हो सकता है, बिग फ्रेंड से हो सकता है, कज़न फ्रेंड से हो सकता है, या फिर स्मॉल फ्रेंड से हो सकता है. ऐसा एक भी सम नहीं रहता कि जिस पे ये चारों मेथड अप्लाई हो, नहीं, एक सम पे कोई ना कोई एक ही मेथड अप्लाई होता है. तो ये हमारा कज़न फ्रेंड से रिलेटेड वीडियो था. आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि कज़न फ्रेंड क्या होता है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं. मैंने अभी अपने चैनल पे सारे के सारे मेथड्स के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, डायरेक्ट वाला, बिग फ्रेंड का, स्मॉल फ्रेंड का, और आज कज़न फ्रेंड का भी, ओके. तो मतलब आप अभी आप ये वीडियो देखने के बाद, आप प्रैक्टिस करने के बाद, ये चारों मेथड पे अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई भी सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. बिकॉज ये चारों मेथड अप्लाई करके ही अबेकस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है. आई होप मेरा समझाया हो, आपको समझ में आ गया रहेगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ऐसे ही डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू.